हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज आप सबों के बीच मेंसुरेशन का प्रॉब्लम पार्ट टू वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले प्रॉब्लम पार्ट वन का वीडियो दे चुका हूँ और उससे पहले भी जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का मेंसुरेशन का दे चुका हूँ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आरम्भ करते हैं। इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बता दिए थे, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 से आरम्भ करते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ, एक आयताकार लॉन की माप आपका 80 मीटर गुना 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर एक दूसरे को काटता हुआ 10 मीटर चौड़ा और चौड़ाई की एक सड़क बनी हुई। इस सड़क पर 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगवाने का खर्च क्या पड़ेगा, यह करा है। पत्थर लगवाने का खर्च करे, देखिए एक आयताकार लॉन दिया हुआ है, आयताकार लॉन है, इस तरह से आयताकार लॉन दिया हुआ है। इसके जो है बीचों बीच लिखा हुआ, इसके बीचों बीच आपका सड़क है, इसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई माप समांतर एक दूसरे को काटता हुआ, लंबाई ऐसे चौड़ाई एक दूसरे को काटता हुआ 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई। 10 मीटर चौड़ा जो है सड़क बनाया गया है, तो इस तब कह रहा है कि इस सड़क पर 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगवाने का खर्च क्या होगा। देखिए इसका तो 80 मीटर लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई आपका 60 मीटर दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर, और रास्ता जो बनाया हुआ है सड़क उसका जो दिया हुआ 10 मीटर चौड़ाई दिया हुआ, रास्ता का चौड़ाई है। तब हम लोग इसको जो है तब यहाँ पर लास्ट में क्या करा था, बताएं कि 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगवाने का खर्च क्या होगा। तो रास्ता का हम पत्थर जो लगवाएंगे रास्ता पर, तो रास्ता का कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स का मान रास्ता का चौड़ाई कितना दिया है 10, लंबाई कितना 80, 80 60 को जोड़ देंगे, 80 प्लस 60 घटा कर देंगे 10, 80 गुना अब इसको 140 हो गया, 140 में 10 घटा दे 130, अब इतना हो गया। अगर इसको गुना करेंगे 1300, तो 1300 जो निकला 1300 वर्ग मीटर निकला, इतना वर्ग मीटर। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक वर्ग मीटर पर जो सड़क पर जो चौड़ाई सड़क दिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इस सड़क पर 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगवाने का खर्च, यानी कि आपका एक वर्ग मीटर का खर्च पड़ रहा है 30 पैसा, तो 1300 वर्ग मीटर का खर्च कितना पड़ेगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। 1300 वर्ग मीटर का खर्च, तो ये तो 30 पैसा है, तो 30 पैसा इसको 30 पैसा को हम लोग रुपया में कन्वर्ट कर दें, 30 पैसा बराबर कितना होगा, तो 30 पैसा बराबर 0.00 इसको रुपया में चेंज कर दें, 100 भगा दे दें, क्योंकि ऑप्शन जो आपको दिया हुआ था रुपया, इसका कह रहा था रुपया। चलिए निकाल लेते हैं, इसका कटा दीजिए, और दोनों कट गया, कट गया 33 39, 390 पर रुपया हो जाएगा। तो लगवाने का खर्च कितना होगा, 390 रुपया। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, 390 रुपया ऑप्शन मिला लें, इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 390 रुपया। आइए हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। 12 नंबर देखिए, एक आयताकार मैदान 25 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। वो जो आपका आकृति बना हुआ, आकृति में देखें लिखा हुआ है कि 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, उसके बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा आपस में लंबवत रास्ते भी बनाए गए हैं। आकृति में दिया हुआ इस आकृति जैसा कि चित्र में दिखाया गया, रेखांकित भाग में घास लगाई गई है, लकीर दिया हुआ रेखांकित भाग में आपको क्या लगाया, घास लगाया गया है। तब कह रहा है कि घास लगाए गए स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा, घास जो लगाया गया मैदान का कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या, तो रास्ता को छोड़कर शेष भाग का कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो निकाल लीजिए। तो शेष भाग का क्षेत्रफल जहाँ घास लगाया गया है, तो उसका शेष भाग का क्षेत्रफल अब पहले ले लीजिए, लंबाई कितना है अब 25 मीटर, चौड़ाई कितना है अब 15 मीटर। तब यहाँ पर क्या कर रहा था कि घास लगाए गए स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है शेष भाग का क्षेत्रफल या घास लगाए एल माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, घास लगाए गए भाग का क्षेत्रफल या शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी रास्ता छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो 25 में से एक्स घटा दिया, और एक्स मतलब रास्ता की चौड़ाई, आप समझिए यहाँ पर एक्स क्या है, जहाँ आपका एक्स बराबर हो जाएगा, समझ एक्स बराबर रास्ता का चौड़ाई होता है, रास्ता का चौड़ाई या सड़क का चौड़ाई होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई 2 मीटर दिया हुआ है, एक्स बराबर आपका 2 मीटर दिया हुआ है। 25 में 2 घटाइए 23 हो गया, का एल घटा एक्स, अब 15 में 2 घटाइए 13,
तेरतिया उनचालीस, तेरना छब्बीस, तीन कितना हो जाएगा 29, तो 299 आपका वर्ग मीटर होगा। ऑप्शन नंबर दो इसका आंसर हो गया, 299 वर्ग मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कर रहा है, एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर, इसका क्षेत्रफल क्या? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, अगर विकर्ण दिया है डायरेक्ट 1/2 गुना विकर्ण स्क्वायर कर दें, तो आपका 1/2 गुना विकर्ण है 6, तो 6 गुना 6 हो जाएगा, इसको कटा दे तीन बार में, छोटी 18 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसको समझेंगे, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ याद रखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण स्क्वायर, तो इसको याद रखिए, अगर भुजा दिया वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, लेकिन विकर्ण है 1/2 गुना विकर्ण स्क्वायर। आइए अगला देखते हैं, अगला देखिए 14, एक वर्ग तथा एक आयत दोनों का परिमाप 48 मीटर। देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा बराबर 48, तो वर्ग का जो है तो आपका हो जाएगा भुजा इतना, तब कह रहा है क्या, यदि दोनों के क्षेत्रफल में 4 वर्ग मीटर का अंतर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, बराबर 144 हो गया। और तब कह रहा है कि देखिए दोनों का परिमाप वही है, तो आयत का परिमाप 2 × l + b बराबर 48, इसको कटा देंगे, l + b बराबर 24 हो गया। और तब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल में 4 वर्ग मीटर का अंतर है, दोनों के क्षेत्रफल में 4, जैसे ऑप्शन नंबर ऑप्शन से बनाना होगा, 20 और 4 दिया है, अब बी नंबर आपका 18 और 16 दिया, सी नंबर जो है 14 और 10 दिया है, तो अगर इसका लंबाई चौड़ाई 24 है, तो 20 जो है, देखिए यहाँ पर इसका 20 जोड़ 4 कर देंगे, 24 तो पूर रहा है, और क्षेत्रफल 20 × 80, लेकिन 144 और 80 के बीच क्या अंतर 4 का है, 4 वर्ग मीटर का नहीं है, गलत हो जाएगा। उसी तरह दूसरा भी जांचिए, नहीं पूरा है, अगर इसको जांचते हैं, देखिए इसका लंबाई ले लिए 14, चौड़ाई ले लिए 10, जोड़ते हैं 24 भी पूरा है, अगर ये दोनों हम लोग गुना कर देंगे, क्षेत्रफल जो निकालेंगे आयत का, तो 140 पूर जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 144, आयत का क्षेत्रफल 140, और दोनों के बीच अंतर भी 4 का है, इसका मतलब ये नियम पालन कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। इसको समझेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ये नहीं होगा क्योंकि 20 × c क्षेत्रफल हो रहा था, 144 था, अंतर 4 का कहाँ था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर कर रहा है, किसी वर्गाकार खेत का डायगोनल 110 मीटर। देखिए डायगोनल मतलब विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना विकर्ण स्क्वायर या डी स्क्वायर, डायगोनल इसी कहते हैं, 1/2 विकर्ण कितना 110 गुना कर दें 110 कटा देंगे, यह कट गया, 55 से कटा 110 हो गया, गुना कर दीजिए, अब 5 हो जाएगा, तो 5 × 5 = 10, 5 × 100 से हो जाएगा, 5 × 6 हो जाएगा, तो 6050 जो है यह वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा, आप गुना कर लीजिए, यही पूरेगा। देखिए गुना करने का तरीका है, 5 × 5, 5 × 1, 5 × 5 = 10, 5 × 6, तो 11 का गुना का नियम है ये, तो आप गुना कर दीजिए डायरेक्ट 6050 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा 15 का। 16 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए, देखिए पहले वर्ग का विकर्ण ले लीजिए, आपका पहले विकर्ण था d, अब इसको d नहीं रहकर इसको दुगुना कर दिया जाए, 2d कर दिया जाए, वर्ग का विकर्ण कैसा कर दिया, 2d कर दिया, वर्ग का विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए और इसे एक नया वर्ग बनाया जाए, इससे नया वर्ग बना दिया, विकर्ण को दुगुना कर दिया, पहले देखिए एक छोटा भी छोटा वर्ग था और इसका विकर्ण ले लीजिए डी था, अब इसको वर्ग बड़ा कर दिए, अब इसका दुगुना विकर्ण कर दिए, दुगुना विकर्ण कर दिया जाए, 2d कर दिया जाए, तो तब कह रहा है कि इसे एक नया वर्ग बनाया जाए, तो नए बनाया जाए तो बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये क्या गुना होगा, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कितना गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका, तो सबसे पहले देखिए इसका पहला वर्ग का एक नंबर पहला और नया, तो पुराना वर्ग 1/2 गुना विकर्ण स्क्वायर, अब विकर्ण स्क्वायर इसका हो जाएगा 1/2 गुना विकर्ण स्क्वायर, दूसरा का जो है नया वाला का 2d विकर्ण है, 2d की स्क्वायर, अब 1/d स्क्वायर इसको करेंगे 1/d, और दूध न कितना हो जाएगा 4d स्क्वायर हो जाए, d स्क्वायर कट गया, ये भी कट गया, तो यह 1:4 कितना निकला 4। देखिए पुराना वाला का वर्ग का जो है क्षेत्रफल 1 है, नया वाला का 4 है, तो कितना गुना हो गया, यह है पुराना वाला से नया वाला, तो 4 गुना, तो इसका आंसर होगा 4 गुना, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। इसको समझेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, देख लीजिए अनुपात में कितना गुना हुआ। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग मीटर है, यही क्वेश्चन आपका थंबनेल में लगा हुआ है ऊपर में, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग मीटर है, तो आपका एक वर्गाकार मैदान ले लीजिए, इसका जो क्षेत्रफल जो है 576 वर्ग मीटर है, और एक घोड़ा को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाना है, चारों ओर मैदान के चारों ओर चक्कर लगाना है,
तो कितना चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, और घोड़ा का चाल दिया हुआ है, चाल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है घोड़ा की चाल। सबसे पहले जो है यह क्षेत्रफल दिया है 576, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुज, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर 576, ए बराबर 576 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो ए बराबर 24 का स्क्वायर 576, इसका मतलब जो है वर्ग की भुजा सब भुजा बराबर होगा 24 होगा क्योंकि सब भुजा बराबर होते। अब हम लोग दूरी निकालेंगे, दूरी तो कहते हैं परिमाप को, परिमाप क्या होता है दूरी, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, तो 4 गुना कर देंगे भुजा 24 चौक 96 हो गया, और जब 96 हो गया तो दूरी परिमाप, क्योंकि देखिए कोई घोड़ा चारों तरफ चक्कर लगाएगा इसे यहाँ, इसका मतलब उसका परिमाप को तय किया, तो दूरी निकल गया परिमाप। जब निकल गया तब यहाँ पर कह रहा था बताएं कि समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना निकल गया 96, चाल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, समय बराबर दूरी बटा चाल 12 96 8 घंटा, तो घोड़ा जो उसको चक्कर लगाने में कितना समय लेगा 8 घंटा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। देखिए यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई तथा एक दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई में से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का कह रहा है इस विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और दूसरा एक वर्ग है अब इसका कह रहा है इसका भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया वर्ग का, समझिए तो वर्ग में क्या कर रहा था कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर होना चाहिए तो दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई में प्रत्येक 10 सेंटीमीटर, दोनों यह भी 10 सेंटीमीटर वो 10 सेंटीमीटर, तो तब यहाँ पर कह रहा है कि बताएं कि पहले वर्ग के क्षेत्रफल, देखिए ये 10 है इसका विकर्ण और इसका भुजा 10 है प्रत्येक, इसका मतलब 10-10 ही होगा प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है वर्ग का। तब यहाँ पर कह रहा है क्या पहले वर्ग का क्षेत्रफल देखिए इसका 1/2 गुना विकर्ण स्क्वायर, देखिए समझो 1/2 गुना विकर्ण स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, क्योंकि यह भी वर्ग है यह भी वर्ग है, तो विकर्ण है तो इसका 1/2 विकर्ण कितना है 10, 10 का स्क्वायर 10 गुना 10 करेंगे, इसका भुजा स्क्वायर मतलब 10 है, 10 का स्क्वायर 10 गुना 10 करें, ये दोनों जीरो दोनों कट गया तो 1/2 कोना कोनी गुना 2 गुना 1 कर देंगे तो 2 हो जाए 1:2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, समझेंगे विकर्ण दिया रहे तो 1/2 गुना विकर्ण स्क्वायर, अगर भुजा दिया रहे तो भुजा स्क्वायर, दोनों का रेशियो निकाल लें मान बैठा दे इसका आंसर हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 19। किसी वर्ग की लंबाई में बढ़ोतरी 40%, जैसे कि वर्ग लिखा हुआ है और वर्ग की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दिया जाए और तथा चौड़ाई में 40% की कमी कर दिया जाए, चौड़ाई में 40% की कमी कर दिया जाए। देखिए वर्ग का जो है वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग 100 मान लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल 100 है तो इसमें क्या कर रहा था 40% वृद्धि लंबाई में चौड़ाई में कर रहा था 40% कमी, तो क्षेत्रफल में क्या होगा अब देख लेते हैं। देखिए प्लस 40 प्लस है तो यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस गुना माइनस 40 गुना 40 100 कर देंगे, यह दोनों कट गया प्लस माइनस कट गया 4×16 16% की कमी हो गया, तो वर्ग के क्षेत्रफल में जो हुआ 16% की कमी हो गया। अगर आप इसको देखिए उसके बाद कह रहा था परिणामी आयत तथा वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा, तो अब देखिए आयत का हम लोग क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 100 था, 100 में आप 16 को कमी कर दीजिए वह जो निकलेगा आपका क्या निकलेगा आयत का क्षेत्रफल, 100 में 16 का कमी कर दिए 84 जो निकला वर्ग मीटर, या तो यह तो नहीं दिया है मीटर है सेंटीमीटर में, तो आप 84 लीजिए, 84 जो निकला यह क्या निकला आयत का क्षेत्रफल, यह क्या निकला क्षेत्रफल निकला, तो समझिए अब देखिए इसका तब यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा था आयत का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल 84 है और वर्ग का क्षेत्रफल 100 माने थे क्योंकि परसेंटेज का चर्चा था इसलिए 100 मानना है, कटा देंगे 21×84 इसको कटाएंगे 25×100 आपका 21 अनुपात आपका कितना हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर दो में है इसका, ऑप्शन नंबर दो ध्यान से देख समझिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना माने थे 100, तो आप क्या कीजिए लिखा हुआ था कि वर्ग की लंबाई में 40 वृद्धि 40 कमी प्लस गुना माइनस 40×40/100 कटा देंगे 16% कमी हो गया, तब हम आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल जितना था जितना का कमी जो हुआ ये जो बचा 84 ये आपका जो है आयत का क्षेत्रफल बचा, वर्ग के क्षेत्रफल 16 का कमी था तभी 100 में 16 घटाए 84 जो निकला आयत का क्षेत्रफल 84 वर्ग का क्षेत्रफल 100 दिया हुआ ही था,
तब दोनों का अनुपात पूछा था। देखिए यहाँ प्लस था माइनस था, आपको ये ट्रिक मालूम होना चाहिए कि अगर अगर आपका इस तरह से रहे प्लस एक्स प्लस वाई तब प्लस एक्स गुना वाई बट एक्स होता है, पहला ट्रिक हुआ। दूसरा एक बार वृद्धि एक बार कमी फिर कमी ये होगा एक्स गुना वाई बट एक्स। तीसरा ट्रिक एक बार कमी फिर दो फिर कमी दूसरा बार भी कमी तब प्लस गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना एक्स गुना वाई बट एक्स हो जाएगा। चौथा प्रश्न अगर आपको कहे एक बार कमी एक बार वृद्धि प्लस गुना माइनस माइनस एक्स गुना वाई बट एक्स हो, यही आपको ध्यान देना। लेकिन एक बार वृद्धि एक बार कमी था, एक बार वृद्धि एक बार कमी क्या होगा प्लस गुना माइनस माइनस होगा, तो 16% कमी। तो आयत का क्षेत्रफल जितना कमी हुआ वर्ग में आप उसको घटा दीजिए, वो आयत का क्षेत्रफल निकले। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 20 लेते हैं, किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, एक वर्ग बना लीजिए, एक किसी वर्ग है वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, वर्ग के एक वर्ग बनाए वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है, मूल वर्ग के क्षेत्रफल। ये देखिए ये वर्ग था, इस वर्ग का विकर्ण ए था, वर्ग का विकर्ण डी ले लीजिए। तो अगर वर्ग का विकर्ण डी है, पहले वाला वर्ग का विकर्ण डी है, तो पहला वाला का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना विकर्ण स्क्वायर। अनुपात अगर हम दूसरा वर्ग का विकर्ण का निकालें तो दूसरा वर्ग का विकर्ण जो है दूसरा वर्ग का जो अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो दूसरा वर्ग का जो क्षेत्रफल हुआ अब दूसरा वर्ग का जो भुजा हुआ वही तो हो गया आपका कितना विकर्ण, दूसरा वर्ग का भुजा, भुजा ए कहते हैं, ए बराबर क्या हो गया डी हो गया। तो समझे होंगे, तो 1/2 इसका वर्ग का हो जाएगा क्षेत्रफल, दूसरा का भुजा इसका, लेकिन भुजा के लिए आपको डी लेना है। देखिए समझिए, दूसरा जो है आपको ये पहला था वर्ग, ये दूसरा वर्ग, और दूसरा वर्ग का जो हुआ आपका भुजा वही तो पहला वर्ग का है विकर्ण, तो भुजा बन गया विकर्ण ए बराबर डी। तो पहला का 1/2 गुना विकर्ण स्क्वायर, दूसरा का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा लेकिन डी। अब देखिए दोनों कट गया, कोना कोनी गुना कर देंगे तो के गुना हो गया, पहला का पूर्ण का आपका पूर्ण का एक ही था, नबका वाला दो दुगुना हो गया, तो आपका आंसर इसका हो गया दो गुना। इसको समझे होंगे, इसका दो गुना आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में प्रॉब्लम पार्ट 3 लेकर आएंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।